दोस्तों, मैं हूँ संजीव और आप देख रहे हैं संजीव कुल चैनल। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने पीएफ यानी कि यूनियन नंबर में आप अपना पासबुक और पैन कार्ड कैसे जोड़ सकते हैं, मतलब बैंक पासबुक और पैन कार्ड कैसे जोड़। इसमें चार ऑप्शन आता है, बैंक का, पैन का और आधार का और पासपोर्ट का। तो आपको सब सेट करने का एक ही प्रोसेस होता है, तो आप जो भी सेट करना चाहते हैं वो सेट कर सकते हैं। तो देरी नहीं करते हुए चलिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले अपने मोबाइल में क्रोम ब्राउज़र को ढूंढ लेना है। तो देखिए मैंने ढूंढ लिया और इसको ओपन करूँगा। ओपन करने के बाद नेक्स्ट पे जो क्लिक है सर्च बार पे आपको क्लिक करना है और आपको सर्च बार में ऊपर लिखना है EPFO, इतना ही लिख करके आपको जहाँ से भी आपका सर्च होता हो सर्च कर दीजिएगा। सर्च करिएगा, देखिए मेरा ऊपर ही आ गया है तो मैं वहीं से कर देता हूँ। तो सर्च करने के बाद जो नेक्स्ट पेज खुलेगा अगला पेज, तो देखिए सबसे ऊपर है एम्प्लाई प्राइवेट फंड ऑर्गेनाइजेशन, तो उस पर क्लिक करेंगे। उस पर जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद नेक्स्ट पेज खुलेगा, तो देखिए एक पॉपअप आया है। तो पॉपअप को थोड़ा जूम कर लेंगे, बड़ा कर लेंगे, तो उस पॉपअप के ऊपर में आपको एक क्रॉस का निशान दिखाई पड़ेगा। तो देख लीजिए एक क्रॉस का निशान दिखाई पड़ रहा है, उस पर ट्रिक करके उसको हटा देंगे तो पॉपअप हट जाएगा। और उसके बाद थोड़ा और जूम कर लेंगे, उसके बाद KYC अपडेशन मेंबर लिखा हुआ है, उस पर आपको क्लिक करना है। तो उस पर जैसे ही क्लिक करिएगा उसके बाद में नेक्स्ट पेज खुलेगा, तो ऊपर 3 डॉट देख लीजिए, 3 डॉट है, कभी कभी वहाँ रेड रहता है, तो वहाँ पर क्लिक करके आपको डेस्कटॉप साइड नीचे लिखा होगा, नीचे देखिए स्क्रॉल करिएगा, उसके डेस्कटॉप बॉक्स है उस पर ट्रिक कर दीजिएगा, तो वो डेस्कटॉप मोड में हो जाएगा, मतलब देखने में थोड़ा अच्छा लगेगा कंप्यूटर जैसा। तो थोड़ा जूम कर लीजिएगा आप, तो देखिए मैं थोड़ा जूम कर लिया। उसके बाद में ऊपर वाले में आपको UNI नंबर लिखना है, नीचे वाले में पासवर्ड, तो मैंने उस पर किया, मेरा सेव है इसलिए मेरा आ गया है। तो मैं उस पर ट्रिक करके उसमें UNI नंबर और पासवर्ड डालूँगा, तो आप भी अपना डाल लीजिएगा UNI नंबर और पासवर्ड। उसके बाद में देखें नीचे में कैप्चा लिखा हुआ है, जैसे जैसे उस बॉक्स में ऊपर वाले में उससे सेम टू सेम देख करके आपको सही सही कैप्चा लिख लेना है। जैसे स्मॉल में रहे कैपिटल में रहे वैसे वैसे आपको कैप्चा लिख लेना है। कैप्चा लिखने के बगल में आप आइएगा तो देखिए वहाँ पे साइन इन लिखा हुआ, साइन इन पर क्लिक करिएगा। उसके बाद में नेक्स्ट पेज खुलेगा, तो देखिए एक अलर्ट आ गया है, तो वो नॉमिनेशन के लिए होता है, तो उसको आप थोड़ा जूम करके आप पढ़ भी सकते हैं। तो देखिए मैं इसे अभी ये नहीं बताऊँगा, तो इसलिए अभी नहीं पढ़ाऊँ, लेटर करके मैं हटा दूँगा उसको। तो लेटर करके जैसे ही हटाऊँगा तो ऊपर में 4-5 ऑप्शन है, तो 4-5 सब हमको मैंने जो लिखा हुआ उस पर क्लिक करना है, मैनेज पर क्लिक करना है। उसके बाद मैं नीचे 4-5 पॉपअप खुल जाएगा, तो उसमें KYC लिखा हुआ, KYC पर हमको ट्रिक करना है। KYC पर जैसे ही ट्रिक करेंगे तो नेक्स्ट पेज खुलेगा अगला पे, तो देख लीजिए ये यहाँ पर KYC करने का ऑप्शन आ गया। तो इसको थोड़ा जूम कर लेंगे, बड़ा कर लेंगे, तो आपको जो जो आपका KYC करना है, हमको बैंक करना है तो बैंक पे ट्रिक कर देंगे, और हमको पैन भी करना है तो पैन पे ट्रिक करते हैं, क्योंकि नया अपडेट आया है इसलिए इसमें आपका नाम पहले से दिया रहता है, तो आपको सिर्फ इसमें अपना जो आपका बैंक अकाउंट नंबर होगा वो आप सही सही इसमें डाल लीजिएगा। उसके बाद नीचे एक बॉक्स रहे उसको आप ट्रिक कर दीजिएगा, वो आधार पर OTP के लिए सब कुछ आप सही रह गया तब ट्रिक कर लीजिए। इसमें कंफर्म करना है ऊपर वाला में, तो उसमें कंफर्म आपका जो भी बैंक अकाउंट नंबर आप लिखे हुए हैं वो कंफर्म सेम टू सेम उसमें फिल कर दीजिएगा। उसके तो मैंने फिल कर दिया है, आप भी फिल कर दीजिएगा, लिख दीजिएगा, मतलब तो मेरा मतलब सेव है इसलिए आ जाता है UNI नंबर सब, तो आपका भी अगर सेव रहेगा तो आ जाएगा, नहीं सेव रहेगा तो नहीं आएगा। और नीचे एक बॉक्स जो है उसमें आपको अपना IFC कोड लिखना है, तो आपका जो भी बैंक का IFC कोड होगा वो आप लिख दीजिएगा। तो IFC कोड मैंने लिख दिया, कभी कभी इसमें होता है आप कोई अक्षर टिपिएगा
वो अक्षर नहीं लेता है, तो बाद में उसको आप रिफ्रेश करके आप उसको सही भी कर सकते हो। तो देख लीजिए, अभी मैं टिप रहा हूँ लेकिन ले नहीं रहा, लेकिन बाद में मैं रिफ्रेश करूँगा तो मतलब आपका बैंक IFSC कोड जो है वो ले लेगा। तो देख लीजिए, मैंने कुछ लिखा नहीं ले रहा है, तो मैं फिर उसको रिफ्रेश थोड़ा करूँगा, रिफ्रेश करके उसको सही करूँगा। अभी नहीं ले रहा है, देखिए कितना मैं टिप रहा हूँ तो नहीं ले रहा है। तो देखिए, लेकिन वो पूरा अक्षर आ चुका है, तो उसको आपको कट करके उसको सही कर देना है। IFSC कोड जो आपका है उसको आपको सही कर देना है। देखिए मैं सही कर देता हूँ, आप भी अपना सही कर लीजिएगा। उसके बाद में आपको पैन कार्ड KYC आपको करना है, पैन कार्ड भी जोड़ना है। तो आपका नाम तो पहले से दिया हुआ है और इसमें आपको अपना पैन नंबर लिख लेना है। आपके पैन कार्ड पर देख करके सही सही लिख लीजिएगा, जो आपका पैन नंबर होगा वो लिख सकते हैं, वहाँ क्रॉस करके इसको हटा सकते हैं। आपको सिर्फ बैंक अकाउंट जोड़ना है तो बैंक अकाउंट सिर्फ जोड़ सकते हैं, उसके बाद में इसको हटा भी सकते हैं। उसके बाद में आपको ऊपर में एक वेरीफाई IFSC का ऑप्शन है, इसको हमको पहले करना चाहिए लेकिन बाद में करना, उस पर क्लिक करते हैं। उसके बाद एक पॉपअप आया तो उसको क्लिक कर देते हैं। उसके बाद में देख लीजिए, आपके बैंक का नाम भी आ गया है, आपका बैंक का नाम और कहाँ ब्रांच है आपका वो भी आपका आ जाएगा। तो वो सब आ गया है, उसके बाद में सब कुछ आप देख लीजिएगा, सही सही फिल हुआ है कि नहीं, मतलब सही सही आपने लिखा है कि नहीं, सब कुछ आप सही सही देख लीजिए। उसके बाद सेव का ऑप्शन है, सेव के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। सेव के ऑप्शन पर थोड़ा देर लोडिंग लेगा और देखिए नेक्स्ट पेज खुल गया। तो इसमें आपको एक पॉपन में चाहे उसको आप क्रॉस करके हटा भी सकते हैं, नहीं तो उसको थोड़ा जूम कर लीजिए। वहाँ एक बॉक्स पर जैसे ही आप क्लिक करिएगा तो आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आया होगा, जो आपका लिंक मोबाइल नंबर है उस पर OTP आया होगा, तो OTP वहाँ पर डालना है। तो OTP देखिए मैं अपने उस मोबाइल में देख करके सही सही आपका, अगर इसी में रहेगा तो इसी पर आएगा, अगर दूसरा किसी में रहेगा तो उस पर आएगा। तो आप देख करके उसके बाद नीचे सबमिट लिखा है उस पर आपको क्लिक कर देना है। उस पर जैसे ही कि थोड़ा देर प्रोसेसिंग होगा, उसके बाद में देखिए आपका जो मतलब आप बैंक अकाउंट नंबर अपना पैन नंबर जो जोड़े हैं आपको जुड़ गया है, वहाँ पर हरे कलर में आपको लिख दिया है। उसके बाद में आप पढ़ करके देख लीजिएगा, उसके बाद में थोड़ा जूम कर लीजिएगा। तो मैं जूम कर लेता हूँ, उसके बाद देखिए अभी आप बैंक और पैन जो जोड़े हैं दोनों आपका पेंडिंग में दिखा रहा होगा, दोनों आपका पेंडिंग में अभी दिखा रहा है। तो ऊपर नीचे दोनों मैंने एक ही पट्टी किया है, ऊपर नीचे दोनों है, उस पर पेंडिंग लिखा है। और 60 दिन के अंदर अप्रूवल हो जाएगा, और 72 घंटे के बाद और 60 दिन के अंदर में आपका अप्रूवल हो जाएगा। तो अप्रूवल वाला आप कैसे चेक कर सकते हैं वो भी वाला वीडियो मैं बना दूंगा, तो आप वो भी देख सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो इसे एक लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब करने का मैं तरीका दिखाता हूँ, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, क्योंकि मैं नॉलेजफुल वीडियो बनाता रहता हूँ। अगर आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और आप मेरा वीडियो देख सकते हैं। अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो आपको रेड कलर में सब्सक्राइब का ऑप्शन दिखाई, उस पर क्लिक करके आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बगल में घंटी का निशान है उसको भी बजा दीजिएगा, उसके बाद ऊपर में ऑल का ऑप्शन है तो ऑल कर दीजिएगा। तो आप मेरे चैनल को नीचे देखिए सब्सक्राइब कर चुके हैं, तो मैं जो भी वीडियो बनाऊंगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगा।